एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिल जाता है जो कि आपको फुल मैकेनिज्म के साथ मिलेगा। इसमें काफी स्मूथ स्टीयरिंग कटिंग है। तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स साइड शिफ्टिंग फुल्ली क्वांटम मैच गियर बॉक्स मिलेंगे। फोटो स्टीयरिंग मिल जाता है लट्टू के साथ, ठीक है ना, और कार से भी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे सोनालिका इंटरनेशनल सिकंदर DI 35 का, जो कि एक इनका 39 हॉर्स पावर कैटेगरी ट्रैक्टर है। और इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा जल्दी शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि मैं दूसरी साइड जाकर दिखा नहीं सकता, ट्रैक्टर बिल्कुल मिला हुआ खड़ा है। अगर मैं ट्रैक्टर को उरली साइड करूँ तो इधर भी जगह बहुत कम है, तो इधर भी ट्रैक्टर नहीं आ सकता। कभी इस ट्रैक्टर की डिटेल में रिव्यू बना करके दिखाऊंगा बाहर निकालने के बाद। अभी शाम का टाइम हो चुका है तो अभी आप इसकी क्विक वीडियो के साथ ही मैं आपको इसमें पूरी पूरी जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है ना, भले जल्दी वीडियो बनाऊँ। तो जैसे हम इस ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो हमें देखने को क्या क्या मिल जाती है पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर 600 के फ्रंट टायर मिलेंगे जो कि आपको सीट के मिलते हैं, इधर देख सकते हो आप। अगर हम रियर टायर की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर मिलेंगे आपको 13-6-28 के, ये भी आपको सीट के मिलेंगे। और ये आपका पावर स्टीयरिंग मॉडल खड़ा है इधर देख सकते हो, और ये आपका नॉन पावर स्टीयरिंग मॉडल खड़ा है, दोनों ही मिल जाएंगे। ये शामली में एजेंसी है, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की क्या कुछ मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर। अगर हम बात करते हैं पहले इसके फ्रंट एक्सल की तो इसके अंदर देख सकते हो नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाता है। बात करते हैं स्टीयरिंग की तो इसके अंदर देख सकते हो सिंगल सॉफ्ट रोड के साथ हाइड्रोलिक मैक्स स्टीयरिंग मिल जाता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या कुछ मिल जाता है, पहले हम इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, लंबा चौड़ा कितनी है ट्रैक्टर की। तो अगर हम बात करते हैं इसकी व्हील बेस की तो 1970 mm का इसका व्हील बेस है। बात करते हैं इस ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ की तो 3570 mm ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ है। बात करते हैं इस ट्रैक्टर की हम चौड़ाई की तो 1710 mm ट्रैक्टर की चौड़ाई है, 1710 mm। बात करते हैं इस ट्रैक्टर की हाइट की तो 2235 mm ट्रैक्टर की ओवरऑल हाइट है। बात करते हैं इस ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस की तो 385 mm का ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात करते हैं ट्रैक्टर के वजन की तो 1970 किलो का ट्रैक्टर का वजन मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन थी लंबा चौड़ाई को देखते हुए। अगर हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी हमें क्या कुछ देते हैं उसे देख लेते हैं। तो उसके अंदर वाटरफॉल डिजाइन में इंडिकेटर प्लस पार्किंग बल्ब में मिलेंगे, ग्रैब हैंडल मिल जाता है पकड़ के चढ़ने के लिए, ग्रैब रेल दोनों फेंडर पर मिलेगी जिसमें हमारा पैसेंजर कोई बैठता है तो उसे बड़ी मजबूती के साथ पकड़ के बैठ सकता है। अगर बात करते हैं इसकी गियरों की तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स साइड शिफ्टिंग फुल्ली क्वांटम मैच गियर बॉक्स मिलेंगे। बात करते हैं सीट की तो सीट इसकी एडजस्टेबल है आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, डिलक्स सीट इसमें नहीं मिलती। फेंडर भी आपको फाइबर का इसमें टूल बॉक्स मिल जाएगा इधर देख सकते हो, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर की SFC की तो 186 ग्राम किलोवाट प्रति घंटे की SFC मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की PTO हॉर्स पावर की तो 35 हॉर्स पावर की PTO मिल जाती है 39 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ, तो काफ़ी अच्छी PTO है। क्लच की बात करते हैं तो डुअल क्लच ट्रैक्टर मिल जाता है, ठीक है, और एक हैवी ड्यूटी फुट स्टेपर मिल जाता है। अगर बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की तो इसके अंदर 85% फ्लैट प्लेटफॉर्म मिल जाता है, काफ़ी शानदार है। बात करते हैं इस ट्रैक्टर की हम टॉर्क की तो 167 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और इस ट्रैक्टर के जो इंजन RPM है वो 1800 RPM है, ठीक है ना। उसकी बात करेंगे जब हम इंजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं इसके डीजल टैंक की तो 55 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है, और एक वाटर सेपरेटर के साथ साथ डबल जाली वाला सिंगल आपको डीजल फिल्टर मिल जाता है। इनलाइन 3 सिलेंडर पंप है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है क्योंकि, ठीक है ना। और इस ट्रैक्टर के बारे में बताता हूँ मैं आपको, 2780 cc का इंजन मिल जाता है, 1800 rpm ट्रैक्टर की, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 100 mm का बोर है, 118 Nm का टॉर्क मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, और 1100 चक्कर पे 167 Nm का टॉर्क निकाल देता है। अगर हम इसकी बैकअप टॉर्क की बात करते हैं तो लगभग आपको 16% का बैकअप टॉर्क देता है ट्रैक्टर, ठीक है ना। और इसके जो आइडियल चक्कर है 750 चक्कर है, और हाई RPM जो जाते हैं इसके 1800 rpm जाते हैं, ठीक है ना। और इसकी बात करते हैं हम ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ मिल जाता है तो देख सकते हो, हैवी ड्यूटी HDMI माइलेज प्लस मिल जाता है ट्रैक्टर, और 2 हेडलाइट मिल जाती है गोल जिनका थ्रो रात में बहुत ही अच्छा है, और लगभग कंपनी फिट आके 60 किलो का बुलगार्ड मिल जाता है। 2 चैन का भी प्रोविजन कंपनी ने पहले ही कर रखा है देख सकते हो इधर, ठीक है ना। और ये भी आपको देख सकते हो 35 मॉडल खड़ा है, और इसको मैं पीछे दिखाता हूँ ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ मिल जाता है इधर देख सकते हो। 3 टोपलिंग लिंकेज मिल जाती है, ठीक है, जो कि AD सेंस के साथ मिलेगी। एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिल जाता है जो कि आपको फुल मैकेनिज्म के साथ मिलेगा, इसमें डबल भी लगवा सकते हो आप। अगर हम इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो लगभग इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 15 क्विंटल की है, ठीक है ना। गारंटी की बात करते हैं तो 2 साल की गारंटी मिल जाती है ट्रैक्टर के साथ, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसकी PTO की तो इसके अंदर रिवर्स PTO और फ्रंट PTO मिल जाती है जो कि 3500 पावर निकालता है PTO की। और इसके अंदर देख सकते हो पीछे के इंडिकेटर प्लस पार्किंग, ये इंडिकेटर प्लस ब्रेकिंग लाइट, ये भी वाटरफॉल में मिलेगी बल्ब के साथ,
दो नंबर गार्ड में वाइब्रेशन ना हो उसके लिए कंपनी रोड लगा देती है। बोतल होल्डर के साथ साथ रिफ्लेक्टिंग लाइट मिल जाती है, एक हैलोजन बल्ब मिल जाता है। रात में कोई इंप्लीमेंट जोड़ते हो कि खेती करते हो तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है ना। एयर क्लीनर की बात करते हो तो उसके अंदर ऑयल बाथ थ्री स्टेज एयर क्लीनर मिल जाता है, इधर देख सकते हो, ठीक है ना। इसका एयर इंटेक बोनट से निकलना, सिंगल पीस बोनट है जो कि आगे से ऊपर की ओर उठ जाएगा, और उसके अंदर हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं मिलते, इसके अंदर रोड लगानी पड़ती है। आइए ऊपर चलते, इसकी आवाज़ सुनाते हैं, उसकी डीजल खपत की बात वहीं से करते हैं कैसी है। तो जैसे आप देख सकते हो हम ऊपर आ चुके हैं, छोटा सा स्टीयरिंग मिल जाता है लट्टू के साथ, ठीक है ना। और सोनालिका का बहुत ही शानदार मीटर मिलता है जो डिजिटल पे एनालॉग होगा। हाथ की एक्सीलेटर भी इधर ही मिल जाती है, और इसका राइट हैंड साइड में साइलेंसर मिलेगा, इधर देख सकते हो, ठीक है। राइट हैंड साइड में इसकी बैटरी बॉक्स मिल जाएगा, और काफ़ी हैवी ड्यूटी मिरर भी राइट हैंड साइड में ही मिलेगा। ऑयल मिरर डिस्क ब्रेक मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, इधर देख सकते हो, ठीक है ना। अभी हम इसकी चाबी लगा लेते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ सुनने से पहले मैं इसकी डीजल खपत की बात कर लेता हूँ। तो ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल खपत है वो एक घंटे में मैक्सिमम 4 लीटर आएगी फुल रोड पर, ठीक है ना। तो पहले ट्रैक्टर को न्यूट्रल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट होगा। स्टीयरिंग की कटिंग में आपको दिखाने लगता, काफ़ी स्मूथ स्टीयरिंग कटिंग है इसकी। तो ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।